हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करने के दो फार्मूले देख लिए थे। पिछली क्लास तक हम लोगों के पास दो फार्मूले आ गए थे मोल्स कैलकुलेट करने के। टोटल तीन फार्मूले हैं, लेकिन हम लोग एक एक फार्मूले को देख रहे हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फार्मूलों का एप्लीकेशन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एप्लीकेशन पार्ट, कि फार्मूला तो पता है आप, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं बिल्कुल, तो एक फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दो फार्मूले हम लोग देख लिए थे। पहला फार्मूला था मोल्स कैलकुलेट करने का, जो पहला फार्मूला था दैट इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से, मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान ए। वेट किस में रखते हैं? ग्राम में। वेट को किस में रखते हैं? ग्राम में। या फिर दूसरा फार्मूला था मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। वेट को हम लोग किस में रखते हैं? ग्राम में। एक क्या है? ए इज द एटॉमिक वेट और एम क्या था? दैट इज द मॉलिकुलर वेट। तो अगर एटम्स गिवेन होता है, एटम्स के मोल निकालने होते हैं, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वेट को डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से। वेट को हम लोग डिवाइड कर रहे थे मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो पहला फार्मूला था कि वेट गिवेन होता है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स। या दूसरा तरीका मैंने बताया था कि मोल्स गिवेन हो, मोल्स गिवेन हो, उससे क्या बता सकते हैं आप? वेट। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के मोल्स दे दिए जाए, तो आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? वेट। तो आप वेट से मोल्स फाइंड कर सकते हैं और मोल्स से क्या फाइंड कर सकते हैं? वेट। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो दोनों तरीके से हम लोग फार्मूले को यूज करते हैं। सेकंड फार्मूला था मोल्स इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवेन हो और पार्टिकल्स में भी जो हम लोग बात किए थे, पार्टिकल्स में जो आपको गिवन होता है वो इन जनरल गिवन होते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। जिसकी ज्यादा बात करते हैं हम लोग, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो और मोल्स पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोल्स पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना था, इसको आप डिवाइड कर दो एनए से। इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? एनए से, एवोगैड्रो नंबर से। क्या मिल जाते हैं आपको? मोल्स। क्या मिल जाएंगे? मोल्स। अब एटम गिवन होंगे तो एटम को एनए से डिवाइड करोगे तो मोल्स ऑफ एटम मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स गिवन होगा उसको एनए से डिवाइड करोगे तो यहां मोल्स किसके मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स के। जो गिवेन होगा उसी के मोल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो एटम और मॉलिक्यूल्स गिवेन हो एनए से डिवाइड करके क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल्स। लेकिन इसका उल्टा पूछ लेते हैं, कहेंगे मोल्स गिवेन है, एटम या मॉलिक्यूल्स बताइए, मोल्स गिवेन है एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बताइए। तो यहां पर आप करना क्या, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एनए से, एवोगैड्रो नंबर से। क्या मिल जाएंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्या मिल जाएंगे यहां से? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स।
तो उसके लिए हमने आपको लास्ट क्लास में इसी पे क्वेश्चन करवाने की बात कर रहे थे, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हमने कहा था अगर इसका उल्टा प्रोसेस पूछेंगे, अगर रिवर्स क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराना है कि मोल्स गिवन है और एटम्स पूछा जाए, तो अगर यहां पर एटम्स निकालना है तो मोल्स भी किसके रखने होंगे, एटम के। मोल भी किसके रखने होंगे, एटम के। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू, यानी बट ये मोल्स किसके होंगे, एटम के। ये मोल्स किसके हमारे हैं, एटम्स के। एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था कि अगर एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स निकालना हो, मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर भी सेम फार्मूला था, मोल्स इनटू यानी, लेकिन अब ये मोल्स किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स के। ये मोल्स किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स। भाई एटम के मोल हैं तो एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स के मोल हैं तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब जो तीसरा फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थर्ड फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल्स तो देते हैं मॉलिक्यूल्स के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। मोल्स गिवन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, पूछते हैं एटम, कहते हैं क्या फाइंड करिए, एटम। अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है और मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, तब तो बहुत आसान है, मोल्स को एन से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन ये देख के अगर एटम पूछ ले, अगर यहां से आपसे क्या पूछ ले, नंबर ऑफ एटम, हमने बताया था इसका फार्मूला होता एन इंटू यानी इंटू एक फैक्टर और था जिसे मल्टीप्लाई करते थे, दैट इज एटॉमिसिटी। एन इंटू यानी इंटू एटॉमिसिटी। और यहां पर ध्यान रखिएगा, भले यहां एटम फाइंड कर रहे हैं लेकिन एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर मोल्स किसके गिवन है, ये मॉलिक्यूल्स के। मोल्स मॉलिक्यूल्स के गिवन है, फाइंड कर रहे हैं एटम, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी से। और एटॉमिसिटी बहुत आसान है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं दैट इज एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं दैट इज द एटॉमिसिटी। जैसे अगर बात करें वाटर की, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, 2+1 कितने एटम हो गए, 3। तो इस वाटर की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। वाटर की एटॉमिसिटी 3। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, टोटल एटम कितने हो गए, 3। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। इसकी डेफिनेशन पहले आपको लिखवा चुके हैं, एटॉमिसिटी द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। तो ये देखिए, आज हम लोग इन फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। तो बस आपको ये फार्मूले ध्यान रखने हैं, बहुत आसान है। देखिए, अगर एटम्स के मोल्स गिवन है और एटम ही पूछा जाए, तो केवल एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स के मोल्स को एन ए से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा फार्मूला, मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछा जाए, तो मोल्स को एन ए से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा फार्मूला, अगर मोल्स तो मॉलिक्यूल्स के गिवन है लेकिन एटम पूछा जाए, तो एन ए के साथ साथ और किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से। एन ए के साथ साथ और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी से। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन होते हैं और पूछा जाता है आपसे एटम। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल अच्छे से फार्मूले अप्लाई करना हमको समझ में आ जाएगा। अभी तो फार्मूला लिखा है हम लोगों ने, अब इनका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फार्मूले भी अप्लाई करना आ जाएगा हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इनको।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉलोइंग फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसमें, पहला क्वेश्चन, दैट इज 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम। दूसरा क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ हीलियम, 44 ग्राम ऑफ हीलियम। थर्ड क्वेश्चन 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। एंड 36 ग्राम वाटर, एंड 36 ग्राम वाटर। सॉल्व करिए इनको, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। और आपको अगर एटॉमिक वेट की जरूरत हो तो हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4, कार्बन एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबके एटॉमिक वेट की वेन अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हैं, इसकी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो फाइंड करिए नंबर ऑफ एटम्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम। चलिए, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट को देखें, तो सबसे पहले देखिए ये 4 मोल क्या है, 4 मोल किसके गिवन है, एटम के। हीलियम क्या है, एटम, तो मोल्स किसके गिवन है, एटम के। और क्या फाइंड करना है, एटम ही। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू, यानी एटम फाइंड करना है तो एटम के मोल रखना है यहाँ पर, एटम फाइंड करना है, एटम के मोल है, एटम के ही मोल्स गिवन है आपको, दैट इज 4 मोल। तो एन की वैल्यू है 4, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एनए से, आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। अब चाहो तो एनए की वैल्यू रख सकते हो मल्टीप्लाई करके, 6.023 × 10^23। अभी आपकी इच्छा है, फोर एन ए की वैल्यू क्या होती है, 6.023 या 022, कुछ भी लिख सकते हैं, 10^23 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी आंसर छोड़ दीजिए, 4NA, दैट इज 4NA। तो देखिए यहाँ पर एटम्स के मोल्स गिवन है और एटम्स फाइंड करना है, तो सिंपल फार्मूला लग गया, मोल्स इंटू एन ए, एटम के मोल है, एटम फाइंड करना। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखें, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, पहला क्वेश्चन सीधा से एटम के मोल गिवन है, यानी से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या मिल गए, नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ हीलियम, देखिए हीलियम क्या है, एटम, फाइंड भी क्या करना है आपको, एटम्स, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, हीलियम एटम है, एटम फाइंड करने, फार्मूला तो यही लगेगा, फार्मूला तो यही हो जाएगा, लेकिन इस बार एटम के मोल नहीं गिवेन है आपको, वेट गिवेन है। एटम के मोल ना देके उन्होंने क्या दिया है, वेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेट गिवेन है तो मोल तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, मोल वेट गिवेन है तो मोल तुरंत फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे,
एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए। मोल्स कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए, और वेट कितना है 44। वेट कितना गिवन है आपको 44, और एटॉमिक वेट हीलियम का 4, तो 4 से कैंसिल हुआ 1, यानी मोल्स कितने आ गए, दैट इज 11। मोल्स कितने मिल गए 11, एन की वैल्यू मिल गई है, एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ गए, कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू आ गई है 11, एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 11 एन ए, आंसर आ गया आपका, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 11 एन ए। तो बहुत आसान होते हैं आपके, बस सिंपल से फार्मूला यूज करिए, सॉल्व करिए, वहां से आंसर आ जाते हैं। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, 44 ग्राम ऑफ CO2। अब इस बार ध्यान दीजिएगा, CO2 क्या है आपका, मॉलिक्यूल, CO2 इज मॉलिक्यूल। तो आपकी 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, मॉलिक्यूल क्या गिवन है आपका, वेट। तो अगर मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, थर्ड क्वेश्चन, तो यहां से हम लोग पहले मोल्स फाइंड करेंगे, CO2 है, CO2 के मोल्स फाइंड करेंगे। तो 44 इसका वेट है, W अपान मोलर मास, फार्मूला क्या होगा इसका, N इज इक्वल टू W बाई M, और वेट कितना है 44 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2 44, कार्बन CO2 का मोलर मास, कार्बन कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितना है 16, और दो ऑक्सीजन है 32, तो इसका मोलर मास भी कितना आ गया 44, 44 अपॉन 44 कितना आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1, कितना आ गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन ए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मोल्स इस बार किसके हैं, जो मोल्स आए किसके हैं, CO2 के, मोल्स किसके हैं CO2 के, और CO2 क्या है मॉलिक्यूल, CO2 क्या है मॉलिक्यूल, यानी दिस इज द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है, एटम फाइंड करना है, किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एटॉमिसिटी से, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एटॉमिसिटी, मोल्स, इस फार्मूले क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का, मोल्स इनटू यानी इनटू एटॉमिसिटी, मोल्स इंटू यानी इंटू एटॉमिसिटी, बस वैल्यू रखना है आपको, मोल्स कितने हैं 1, मोल्स कितने हैं आपके पास 1, इंटू यानी इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो कितने एटम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 कार्बन 1, टोटल एटम कितने हो गए 3, टोटल एटम कितने आ गए 3, तो दिस इज द एटॉमिसिटी, यहां से नंबर ऑफ एटम कितने आ गए आपके पास 3 एन ए, आंसर आ गया आपके पास, दैट इज द 3 एन ए। तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल के मोल्स गिवेन हो और एटम पूछा जाए, तो फार्मूला यूज करेंगे मोल्स इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी, इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एटम्स अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अपने आप, अगर चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए इसमें एटम फाइंड करना है फिर से, लेकिन गिवन क्या है मॉलिक्यूल्स, एटम फाइंड करना है
लेकिन क्या गिवन है इसके मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखिए अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले तो इसका वेट गिवन है 36 ग्राम वेट गिवन है, तो इसके मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। मॉलिक्यूल है तो उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। वाटर का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का एक का वन है दो है तो हाइड्रोजन टू, ऑक्सीजन 16, मोलर मास कितना हो गया 18। मोलर मास की वैल्यू 18, वेट कितना है 36, यानी 36 अपॉन 18 दैट इज 2। मोल्स आ गए 2। अच्छा ये मोल्स किसके आए हैं, एटम या मॉलिक्यूल के, तो मोल्स कितने किसके आए हैं दैट इज मॉलिक्यूल, किसके मोल्स आए हैं ये मॉलिक्यूल्स के। जब मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन होते हैं और एटम फाइंड करना है तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एनए, एनए मतलब एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, मोल्स इनटू एनए इनटू एटॉमिसिटी। वैल्यू रख दो, मोल्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी कितनी है, एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करें कितने एटम हो जाएंगे 2+1, यानी 2+1 कितने हो गए 3, तो एटॉमिसिटी 3। मल्टीप्लाई करिए 3 × 2 = 6 That is equal to 6 NA. ये आंसर आ गया। NA की वैल्यू अगर आपको आंसर इस टर्म में नहीं NA की वैल्यू रख के गिवन है तो NA की वैल्यू रख दीजिएगा। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू याद ही हम लोगों को 6.023 × 10³³। तो देखिए आप बहुत आसानी से कुछ आंसर फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है इस फार्मूले का अप्लाई करके, ये वाला जो फार्मूला है कि मोल्स मॉलिक्यूल्स के गिवन होते हैं और आपसे क्या फाइंड करते हैं एटम, तो इसको नोट करिए। चलिए इस पर इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए और क्वेश्चन लिखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसी फार्मूले पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ग्राम ग्लूकोज C6H12O6। फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 22.5 ग्राम ग्लूकोज। इसका मोलर मास आप पीछे से नोट्स में देख सकते हैं, मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180। ग्लूकोज का मोलर मास है 180, नोट्स में आपके लिखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का मोलर मास क्या। तो ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24.95 ग्राम CuSO4 डॉट 5H2O 24.95 ग्राम CuSO4 डॉट 5H2O। दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियल। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको, इसके बाद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियल और इसका मोलर मास होता है, अगर आपको याद हो, 249.5। कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग इसके मोलर मास को, इसके मोलर मास को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मोलर मास है 249.5। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करिए, जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। एटम्स ही फाइंड करने हैं दोनों केस में, दोनों केस में हमको क्या फाइंड करना है, एटम्स। क्वेश्चन गिवन है आपको, मोलर मास हमने लिख दिया है आपको, आपकी सुविधा के लिए मोलर मास लिखे हुए हैं। अब इसके फाइनल आंसर फाइंड करने हैं आपको। दो मिनट लीजिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए, जब क्वेश्चन एक बार बनने लगेंगे आपसे तो बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे एटम्स वगैरह फाइंड करने के, तो आप इसको दो मिनट लीजिए, सॉल्व करिए इसको। चलिए, सॉल्व हो गए होंगे, आप देख लिए होंगे कैसे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है आपको यहाँ पर, और क्या गिवन है आपको, जो गिवन है 22.5 ग्राम वेट गिवन है, वेट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 22.5 ग्राम। और ये C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज इसका नाम होता है, इसका नाम है ग्लूकोज। ये क्या है, मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल। यानी वेट किसका गिवन है, मॉलिक्यूल का। तो अगर हम मोल्स फाइंड करेंगे, मोल्स फार्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है, 22.5, मोलर मास 180, 22.5 मोलर मास 180। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 22.5 कैंसिल करेंगे, ये 8 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/8।
यानी मोल्स कितने क्या आ गए, 1/8। लेकिन ये मोल्स ध्यान रखिएगा किसके आए हैं, मॉलिक्यूल्स के। कौन से मॉलिक्यूल्स के? C6H12O6। कौन सा मॉलिक्यूल? C6H12O6। यानी ग्लूको इस मॉलिक्यूल्स के मोल्स मिले हैं आपको 1/8। 1/8 जो मिले हैं मोल्स, मोल्स किसके? मॉलिक्यूल्स के। अब ध्यान दो, फाइंड करना एटम, मोल्स किसके गिवन है? मॉलिक्यूल्स के। फार्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू यानी इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी। बस वैल्यू रखनी है इसमें, मोल्स इज इक्वल टू 1/8 इनटू यानी एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो देखिए कार्बन कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन कितने एटम है? 12। और ऑक्सीजन कितने एटम है? 6। यानी कितने एटम हो गए? दैट इज 6 12 6, दैट इज 24। कितने एटम हो गए? 24। और यही क्या होगी इसकी एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है वही क्या होगी उसकी एटॉमिसिटी। तो यहां से सॉल्व करिए, 3 times दैट इज इक्वल टू 3, यानी आंसर आ गया आपका, आंसर मिल गया दैट इज 3। यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या गिवन है आपको? मॉलिक्यूल्स, और ये वेट गिवन है, यानी वेट किसका गिवन है? मॉलिक्यूल्स का। तो मोल्स भी निकालेंगे, मोल्स किसके होंगे? ये मॉलिक्यूल्स के। मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना गिवन है? 24.95 अपॉन मोलर मास लिखा हुआ है 249.5। इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/10, 1/10। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 digit है, यहां भी 2 digit बना लीजिए, डेसिमल कैंसिल, 2495 से 2495 कैंसिल, केवल बचा 1/10। यानी ये मोल्स मिल गए। मोल्स किसके हैं? एटम के, मॉलिक्यूल के। तो भाई ये मोल्स हैं आपके मॉलिक्यूल्स के। किसके मोल्स मिले हैं आपको? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के मोल्स हैं, फाइंड करना है एटम। फिर से आप फार्मूला यूज करिए भाई, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू फार्मूला मोल्स इनटू यानी इनटू एटॉमिसिटी। मोल्स इनटू यानी इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। वैल्यू रख दो, मोल्स की वैल्यू है 1/10 इनटू यानी इनटू एटॉमिसिटी। जरा अब ध्यान दीजिएगा, एटॉमिसिटी आपको फाइंड करनी है इसकी CuSO4.5H2O के। इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, यानी इस मॉलिक्यूल में काउंट करिए कि कितने एटम हैं CuSO4.5H2O में, काउंट करिए कितने एटम हैं, वही क्या होगी एटॉमिसिटी उसकी। तो जरा देखिए यहां पर, सबसे पहले इसको देखिए CuSO4 को, ये कापर है, Cu है, C4 नहीं है, CuSO4, तो कापर Cu 1 atom हो गया यहां पर। सल्फर कितना है? 1 atom। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 atom, यानी 4 + 1 + 1, यहां से कितने एटम आ गए? 6। CuSO4 से कितने एटम आ गए? 6। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी 5 को मत देखिए, 5 को भी छोड़ दीजिए, केवल इतने पार्ट को देखिए, वाटर को। केवल किसको देखिए? वाटर को। वाटर में कितने एटम है? 2 + 1 = 3। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम है? 3। लेकिन 5 मॉलिक्यूल है तो कितने एटम हो जाएंगे? 3 + 5। क्या ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसकी एटॉमिसिटी निकाल रहे हैं।
यहां पर पहले हमने काउंट किया 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 6 आ गया। अब इसकी बात करें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 5 में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5 तो 6 प्लस 15 यहां से क्या आ गया 21, तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 21। एटॉमिसिटी कितनी आ गई उसकी 21, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 21 से, तो यहां जाएगा 21 अपॉन 10 इंटू एन ए, 21 बाई 10 डिवाइड कर देंगे 2.1 एन ए, दैट इज इक्वल टू 2.1 एन ए। तो देखिए ये है आपके एटम्स फाइंड करने के तरीके कि हम लोग एटम्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको मोल्स गिवेन हो या फिर वेट गिवेन हो तो उसकी हेल्प से एटम्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर एटम्स के मोल्स गिवेन हो तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवेन हो तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवेन हो और एटम्स पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है कि अलग से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एटॉमिसिटी से, तब आप इसको ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल्स मॉलिक्यूल्स के हैं और फाइंड करना है आपको एटम। चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि थर्ड फार्मूला क्या होता है मोल्स फाइंड करने का। ओके, थैंक यू।